स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 4A सांख्यिकी। ठीक है, तो इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवार में सदस्यों की संख्या निम्नवत है, निम्नवत ज्ञात कीजिए, सॉरी निम्नवत ज्ञात की गई है। ठीक है ना, निम्नवत ज्ञात की गई है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आंकड़े जो भी हमारे पास हैं उसको लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि आंकड़ों का आरोही क्रम। ठीक है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका आरोही क्रम में। तो इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा आरोही, ठीक ना, क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले छोटा लिखेंगे तभी तो बढ़ेगा, अगर पहले बड़ा लिख देंगे तो नहीं बढ़ पाएगा ना, वो घटते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा लिखते हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा दो है इसमें तो दो लिख लेंगे, उसके बाद तीन है और तीन के बाद एक और तीन है तो उसको भी लिख लेंगे, फिर चार है तो चार को लिख लीजिए, क्या चार और दोबारा है क्या कोई, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर पाँच है तो पाँच लिख लीजिए आप, पाँच कोई और नहीं है तो उसके बाद अब छः दिख रहा है तो छः लिख लीजिए, और छः के बाद एक छः यहाँ पे एक छः यहाँ पे है तो छः दोनों लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद सात लिखना है तो सात आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, सात के बाद आठ भी है तो आठ लिख लीजिए, आठ के बाद नौ, नौ है एक तो एक नौ भी लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें भी काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब ये परफेक्ट हो गया। तो बोला है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, व्यवस्थित कीजिए, तो आरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गया। बस इतना ही आपको इस चैप्टर का पहले सवाल में करना था। अब देखिए जो सेकंड नंबर का सवाल दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, इसको भी आपको बस आरोही क्रम में लिखना है। तो आपको सेम इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा आरोही मतलब फिर से वही बात हुआ, आरोही मतलब सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ठीक ना, क्रम आरोही क्रम। तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर दिया हुआ उसको देखेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर जो दिया हुआ उसको देखेंगे, सबसे छोटा इसमें चार है और दो है, दो सबसे छोटा है तो दो लिखेंगे, उसके बाद इससे बड़ा थोड़ा सा चार है तो चार लिखिए, उसके बाद क्या हमारा चार के बाद छः है तो छः लिख लीजिए, छः के बाद क्या आठ है तो आठ लिख लीजिए, आठ के बाद कोई अब नंबर देखिए, आठ के बाद क्या नौ भी है क्या इसमें, नौ भी यहाँ पे है लास्ट में तो यहाँ पे नौ लिख लीजिए, नौ के बाद अब कोई दस है नहीं, ग्यारह नहीं, बारह दिख रहा है तो बारह लिख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद बारह के बाद तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस दिख रहा है, बाईस देख लीजिए, मतलब आपको चेक करना होगा गिनती गिन गिन करके। ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा बाईस, बाईस के बाद तेईस यहाँ पर है तो लिख लीजिए तेईस, ठीक है ना, तेईस, उसके बाद तेईस के बाद चौबीस, ठीक है, चौबीस यहाँ पर है, चौबीस हो जाएगा, चौबीस के बाद यहाँ पर पच्चीस, पच्चीस लिखिए, छब्बीस है क्या नहीं, छब्बीस, चौबीस के बाद डायरेक्टली पच्चीस के बाद क्या है उनतीस, तो उनतीस लिख लीजिए, ठीक है, उनतीस है यहाँ पे, उनतीस के बाद अब देखिए तीस है नहीं, इकतीस नहीं, बत्तीस है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बत्तीस लिख लीजिए। ठीक है, बत्तीस के बाद अब कौन सा नंबर है, बत्तीस के बाद डायरेक्टली, बत्तीस के बाद तैंतीस, चौंतीस नहीं है, सैंतीस है तो यहाँ पर सैंतीस लिख लेंगे, थर्टी सेवन, और थर्टी सेवन के बाद क्या हो जाएगा फोर्टी, फोर्टी टू, थर्टी सेवन के बाद फोर्टी टू है और फोर्टी टू के बाद क्या हमारा फोर्टी फोर, 44 है। अब कोई नंबर तो इसमें दिख नहीं रहा, आप काउंट करके चेक कर सकते हैं क्या हमारे सारे नंबर आ चुके हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब हम सारे नंबर्स को हम लोग क्या किए हैं आरोही क्रम में लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सेकेंड क्वेश्चन था वो भी हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, ठीक ना, ठीक है, और बोला है कि इतना 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 है तो आंकड़ों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस बार अवरोही क्रम है, उस बार आरोही क्रम था, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक ना, मतलब घटते क्रम में तभी लिखेंगे जब सबसे बड़ा पहले लिख लेंगे तभी तो घटते जाएगा, पहले ही अगर छोटा रख लेंगे तो कहाँ घटेगा, वो तो बढ़ते जाएगा ना दूसरा नंबर लिखेंगे तो, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अवरोही क्रम, अवरोही, ठीक ना, क्रम, इस तरीके से लिख लीजिएगा अवरोही क्रम, आंकड़ों का अवरोही क्रम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आंकड़ों का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 74, 74, 74 से 75 भी है इससे बड़ा, तो 75 सबसे बड़ा है तो इसमें 75 सबसे पहले हम लोग 75 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, उससे छोटा क्या 74 थे, 74, उसके बाद 73, 73, 73 के बाद क्या आ जा रहा है हमारा 67,
67 है तो 67 को आप लिख लीजिए, 67 के बाद अगर कोई नंबर है तो 67 और उसके बाद कोई नंबर 62 भी है और 61 भी है, उसके बाद और कोई नंबर देख लीजिए 62 67 और उसके बाद 57, उसके बाद 57 है, 57 ठीक है ना, 57 यहाँ पे 55 यहाँ पर हो जाएगा 55 और 55 के बाद अगर कोई नंबर है तो हो जाएगा 42 यहाँ पर हो जाएगा 42 और नेक्स्ट जो नंबर है वो है 33। इस प्रकार से जो अवरोही क्रम है वो इस सीक्वेंस में आपका बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, अवरोही क्रम में। तो इस तरीके से आपको बनाना था और यही इसका आंसर होगा, आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चौथा सवाल दिया हुआ है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा, ठीक ना, योजना अंतर्गत, ठीक ना, योजना के अंतर्गत 20 व्यक्ति क्या करते हैं, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड एक होता है जो कि अगर मनरेगा में कोई काम करता है तो उसको जॉब कार्ड भी मिल जाता है, क्योंकि उसको काम मिलेगा ही मिलेगा अगर कहीं मनरेगा पे काम चलेगा तो, ठीक है, के द्वारा एक महीने में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है, ठीक ना, प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखिए, लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति 10 दिनों से कम काम करते हैं। तो इसको अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे आंकड़ों का अवरोही क्रम, ठीक ना। आप चाहें तो आंकड़ों का अवरोही क्रम लिख सकते हैं, ऐसे मैं एक ही सवाल में लिख रहा हूँ, बाकी सबके सवाल में नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से लिख लीजिएगा आंकड़ों, ठीक ना, आंकड़ों का अवरोही क्रम, ठीक ना, अवरोही, ठीक है, क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ 25 दिख रहा है, 25 से कोई बड़ा हमें तो नहीं दिख रहा है तो 25 लिख लेंगे। 25 के बाद अगर कोई नंबर है तो 24, तो 24 लिख लेते हैं, 24 के बाद अगर है तो कौन सा नंबर, 21, ये रहा 21 के बाद हो जाएगा हमारा 90, मतलब कि 19, उसके बाद 17 क्योंकि 17 है और 17 के बाद 16, 19 के बाद 17, 17 के बाद 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और एक नंबर और भी है 16 का, तो 16 एक बार और लिख लेंगे आप, 16 क्योंकि दो टाइम 16 है तो 16 दो बार लिख लेंगे आप, और एक बार आप 15 है तो 15 लिख लीजिए, यहाँ पे 15 दे रहा है तो 15 के बाद क्या है 12 है और इससे भी कोई बड़ा है क्या, 13 है क्या, नहीं, तो 12 कितनी बार है, दो बार, तीन बार है, एक बार यहाँ 12, एक बार यहाँ 12 और एक बार यह आपका यहाँ 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12, तीन बार 12 हो गया। 12 आने के बाद अगर आप 11 पे बात करेंगे तो 11 कितना है, एक बार यहाँ 11, एक बार यहाँ 11 है, मतलब 11 और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 के बाद अगर कोई नंबर है तो क्या हो जाएगा हमारा 9 देखते हैं कहीं है, क्योंकि 10 तो दिख नहीं रहा है तो 9 चेक करते हैं कहीं है क्या। तो इसमें हम लोगों का 9 एक यहाँ पे है और कहीं है 9 एक यहाँ पे है, मतलब 2 9 है, 9 और 9, ठीक है, कॉमा लगा लेंगे। 9 9 के बाद अब 8 चेक करते हैं, 8 एक यहाँ पे है और एक 8 यहाँ पे है, मतलब 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, कॉमा लगा लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 कर लीजिए क्योंकि एक 7 यहाँ पे और 3 है तो 3 कर लीजिए, और कोई तो नंबर दिख नहीं रहा तो इसलिए नंबर नहीं होगा। अब इसमें बताना है कि कितने व्यक्ति ने 10 दिनों से कम काम किया, तो ये दिनों का आंकड़ा है, ये आंकड़ों का अवरोही क्रम ये दिनों का आंकड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि बोला 20 व्यक्ति ना जॉब कार्ड के अनुसार। काउंट कर लीजिए आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कि आपका कहीं ना कहीं कोई नंबर्स मिस हुआ है, हम लोग उसको चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। 25 है इसमें, हाँ 24 है और यहाँ पे 25 24 21 19 17 भी है, 16 16 दो बार है, ठीक है, 15 है एक बार ये भी इसमें है, यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 12 कितनी बार है, तीन बार 12 है, ठीक है, और यहाँ पे 11 दो बार है, सही है, 9 दो बार, 8 दो बार और यहाँ पे 7 आपका है लगभग, 8 आपका नंबर, 8 जो नंबर है वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे और यहाँ पे तीन है, एक और भी है, ठीक है ना, एक यहाँ पे 8 है और कोई 8 एक और नंबर है क्या, 8 नहीं, 3 8 है, यहाँ पे हो जाएगा फिर 7 है एक के, एक यहाँ पे 7 होगा और एक और 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये काउंट कर लीजिएगा, इस तरीके से आ जाएगा आपका काउंट करने के बाद। अब देखिए जो नेक्स्ट है इसमें कि कितने व्यक्ति हैं जो 10 दिन से कम काम किए हैं, तो यहाँ पे गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 व्यक्ति हैं, लिख देंगे कि 7 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों ने 10 दिन से, 10 दिन, ठीक ना, 10 दिन से
कम काम किया, कितना कम, मतलब 10 दिन से कम कम कार्य किया, ठीक है, कार्य किया। इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक ना, किया, तो इस तरीके से आप इसको आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा चौथे का। तो ये जो चैप्टर था आपका 4A, ये पूरी तरीके से हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।